नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पांच के आंच में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो एक तरफा प्यार में पड़े लिस्टेड बदमाश ने सुपारी देकर युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगवाने की साजिश रची और पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आरोपी किशोरी कोरी ने साउथ इंडिया की फिल्म से प्रभावित होकर दो लोगों को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाने की सुपारी दी और 12 मार्च की शाम को इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। एक तरफा प्यार ने बनाया अंधा, सनक ने रची साजिश, इंजेक्शन की सुपारी। पुलिस की गिरफ्त में आए ये बदमाश कोई आम नहीं है, बल्कि इन लोगों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो आपको न केवल हैरान करेगी बल्कि परेशान भी। गिरफ्त में आए एक बदमाश का नाम है किशोर कोरी। किशोर कोरी ही इंदौर इन्फेक्टेड इंजेक्शन मामले का मास्टरमाइंड है। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। ये मामला 12 मार्च का है। हर दिन की तरह 12 मार्च की शाम भी पीड़िता अपने दफ्तर का काम खत्म करके घर के लिए अपने दोपहिया वाहन से निकली। तभी सराफा क्षेत्र में बाइक से आए दो युवकों में से एक ने उसकी कमर पर इंजेक्शन लगाया और भाग गए। इस घटना की शिकायत युवती ने सराफा थाने में जाकर की। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहां पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। युवती ने किशोर कोरी नाम के एक बदमाश पर परेशान करने के आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने किशोर को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की। फिर वो खुलासा हुआ जो हैरान करने वाला था। साउथ इंडिया की फिल्म से प्रभावित होकर दो लोगों को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाने की सुपारी दी गई। आरोपी ने एमआरटीबी अस्पताल के दो सफाई कर्मियों से संक्रमित खून खरीदा। इस खून को सफाई कर्मी की पत्नी मेडिकल वेस्ट से लेकर आई थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने साल भर पहले भी युवती पर दो महिलाओं के माध्यम से एक इन्फेक्टेड ब्लेड से हमला करवाया था। तब भी ये मामला मीडिया में सुर्खियों में आया था। उसने एक काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने जब इससे बातचीत करने के लिए मना कर दिया तब बदला लेने की मंशा से उसने एक संक्रमित रक्त की व्यवस्था करी। किसी एक भिक्षुक के माध्यम से उसने एक उस रक्त की व्यवस्था करी और उसे एक मोटे इंजेक्शन में भर के इसको संक्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उससे काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती थी। अब सवाल ये कि युक्ति से इस कदर दुश्मनी की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक किशोर कोरी युक्ति से एक तरफा प्यार करता था और इस वजह से वो युक्ति को हासिल करने की शुरुआत से कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बनते नहीं देख वो युक्ति की जान का दुश्मन बन गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो और बदमाशों की तलाश पुलिस करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं जबलपुर के डबल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट मिला है। हत्याकांड के बाद अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। फ्रिज से निकाला 8 साल के बच्चे का शव, किचन में मिला दूसरा शव। नाबालिग बेटी ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 3 दिन बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मृतक की बेटी भी आरोपी के साथ फरार है। ISBT से बस में जाते दिखाई दिए हैं दोनों आरोपी। और ये देखिए जो CCTV तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें जो आरोपी है और जो आरोपी बेटी है वो भी साथ में नजर आ रही है और इन लोगों ने मिलकर 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या की। गला घोंटकर उसके बाद पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। सिर पर हथियार से वार करके पिता को मौत के घाट उतारने के बाद बेखौफ होकर आरोपी जाते हुए नजर आए। तो नाबालिग बेटी ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और अपने ही 8 साल के मासूम भाई को
गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को फ्रिज में छुपा दिया गया। तो वहीं किचन से एक और शव पिता का बरामद किया गया है, जिसमें धारदार हथियार से सिर पर कई बार किए जाने की बात सामने आई है। अब पूरे मामले में पुलिस जल्द ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भारतीय नौसेना समंदर में अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। एक बार फिर नेवी के कमांडो ने समंदर में बड़ा ऑपरेशन किया और सोमालिया के समुद्री लुटेरों को घुटने पर ला दिया। कहा जा रहा है कि 35 डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नेवी ने इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, ये रिपोर्ट देखिए। समंदर में हिंद के जाबाजों का पराक्रम, सोमालिया के डकैतों का सरेंडर, भारतीय नौसेना को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेवी के शूरवीरों के आगे सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने घुटने टेक दिए। लुटेरों ने नेवी के धुरंधरों से मुकाबला करने की भरसक कोशिश की, लेकिन नेवी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने समंदर में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे 35 सोमालियाई डकैतों को सरेंडर करना पड़ा। इतना ही नहीं, नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित बचाया। इस तरह नेवी ने 3 महीने पहले हाईजेक हुए जहाज को सोमालिया के खूंखार लुटेरों से बचा लिया। नेवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक समुद्री लुटेरा नेवी के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता दिख रहा है। नेवी के कमांडो ने डकैतों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद नेवी ने समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। भारतीय तट से तकरीबन 1400 समुद्री मील दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके लिए इंडियन नेवी ने P-8I समुद्री गश्ती विमान, वॉरशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा। C-17 विमान से मार्कोस कमांडो को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। नेवी को सूचना मिली थी कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे समंदर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, और इसके लिए वो हाईजैक किए गए जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में इस जहाज को हाईजैक किया गया था। ये जहाज माल्टा का था और इसका नाम MV रुएन है। सोमालिया के लुटेरे MV रुएन का इस्तेमाल लूट की गतिविधियों के लिए कर रहे थे। नेवी के मुताबिक 15 मार्च को जब हेलीकॉप्टर इस जहाज के करीब पहुंचा तो समुद्री लुटेरों में हड़कंप मच गया। लुटेरों से सरेंडर और बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद नेवी के मार्कोस कमांडो भी हरकत में आए और सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि 35 लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 14 मार्च को हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया था। सोमालिया के डकैत समंदर में काफी सालों से आतंक मचाते हुए आए हैं। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समंदर में बड़ी तादाद में मछलियां हैं। साल 1990 तक मछली का कारोबार ही यहां के लोगों के जीवन यापन का साधन था। तब समुद्री लुटेरों का कोई भय नहीं था, लेकिन सोमालिया के हालात बदल गए। देश में सिविल वॉर छिड़ गई, इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया, लोगों का रोजगार छीनने लगा और साल 1990 के बाद से ही सोमालिया के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। मालवाहक जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता आ रहा है, लेकिन ये समुद्री लुटेरे भारतीय नौसेना से बेहद खौफ खाते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना हमेशा इन डकैतों पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की करीब 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही उनका परिवार गम के साए में जी रहा था। और अब सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जिंदगी जीने की नई वजह मिल गई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता के घर आया है नन्हा मेहमान, जिसकी जानकारी मूसेवाला के पिता ने खुद दी है। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 2 साल पहले पंजाब के मानसा गांव में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। अपने जवान बेटे को खोने के बाद उनका परिवार गम के सागर में डूब गया। जिंदगी बोझिल लगने लगी, क्योंकि उनका घर का चिराग बुझ गया। लेकिन अब एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला के परिवार को जिंदगी जीने के मायने मिल गए हैं। उनके घर में फिर किलकारी गूंजी है। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया है, जिससे घर परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया में अपनी खुशी को सबके सामने साझा किया। कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें अस्पताल में दिख रहे बलकौर सिंह ने नन्हे मेहमान को अपनी गोद में पकड़ा हुआ है। बच्चे के आने की खुशी में टेबल पर केक रखा गया। बगल में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर भी है। बलकौर सिंह डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बैठे हुए हैं। वो केक भी खिला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने भटिंडा के अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिनों पहले चरण कौर की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन मूसेवाला के परिवार ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। अब इनका बेटा इस दुनिया में आ गया है। उन्होंने खुद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। अमूमन इस उम्र में कोई भी सामान्य इंसान माता पिता बनने की ख्वाहिश छोड़ देता है। सिद्धू मूसेवाला इकलौती संतान थे। उनकी मौत माता पिता के लिए सदमा थी। बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ऐसे में दोनों ने IVF तकनीक की मदद से दोबारा से माता पिता बनने का फैसला लिया। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप था। उनके पिता बलकौर ने अपने सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से शुभदीप का छोटा भाई हमारी झोली में आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की खबर जंगल की आग की तरह फैली। कोई उनके माता पिता को शुभकामनाएं दे रहा है, तो कोई इसे साहसिक फैसला बता रहा है, कोई नन्हे मेहमान को जूनियर सिद्धू मूसेवाला कह रहा है। २९ मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई ने ली। बेटे की हत्या के बाद से ही सिद्धू मूसेवाला के माता पिता लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनके घर वालों ने बहुत गम सहा है। उनके बेटे ने बहुत ही कम समय में दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया था। संगीत की दुनिया में मूसेवाला ने अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज था। माना जा रहा है कि वारिस की आस में सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने ये बड़ा कदम उठाया। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि घर में आया नन्ना मेहमान सिद्धू मूसेवाला की विरासत को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एमपी में बीजेपी पूरी तरीके से मिशन 29 में जुट गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जिसके दम पर बीजेपी एमपी की सभी 29 सीटें जीतेगी। का ऐलान हो चुका है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते पूरे नहीं खोल पाई है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। सर, बीजेपी ने तो चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई, सिर्फ 10 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने चुनाव कभी भी हो लड़ने के लिए भाजपा कार्यकर्ता तैयार रहता है। कांग्रेस से लड़ने के लिए इस बार प्रत्याशी सामने नहीं आ रहे, यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि हार सुनिश्चित है। कांग्रेस का हर प्रत्याशी जान रहा है कि इस बार पैसा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और हासिलाई जीरो आएगा। कांग्रेस वैसे भी मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक सीट उन्होंने गठबंधन में खुजराव की सपा को दी है। 18 सीटों पर क्या, जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब डर गए, पहले ही हार मान ली, नहीं लड़ा, तो यही वजह है या कुछ और भी वजह हो सकती है? सर, देखिए, 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आप निश्चित रहिए। छिंदवाड़ा भी इस बार भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18।